वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा फूड्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मार्केट जैसा घर में बनाए डोसा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप राइस, आप कोई भी राइस ले सकते हैं, 1 कप उड़द दाल, 1/2 कप राहर दाल, 1/2 कप चूड़ा, 1 टीस्पून मेथी दाने। इस सबको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, ये देखिए। अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, ये देखिए। और इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। इसके फिलिंग के लिए मैंने बॉयल पटैटो को कट कर लिया है, 5 से 6 पटैटो, ये सरसों के दाने, 50 ग्राम बादाम, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर। ये मैंने 2 अनियन को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, ग्रीन चिली 5 से 6, करी लीव्स। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, शाल टू टेस्ट। एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। पहले हम बादाम को फ्राई करके निकाल लेंगे। आप फ्राई बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब हम इसमें डालेंगे राई, जिसे मस्टर्ड सीड कहते हैं, करी लीव्स, ग्रीन चिली और अनियन। इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें। ये डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, रेड चिली और टर्मेरिक पाउडर। इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो, तो अच्छी तरह मिक्स कर लें। 5 से 6 मिनट में ये हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट, और इसे ठंडे होने के लिए रख देंगे। इसमें मैं ऐड कर दें बादाम। ये देखिए, अब हम ठंडे होने के बाद इसे हम मैश कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम डोसा के लिए रेडी करते हैं। ये मैंने तवा लिया है, तवे पर पानी आप छिट के डाल सकते हैं और एक करछुल के मदद से, या आप बॉल भी ले सकते हैं उसके मदद से आप इसे अच्छी तरह गोल शेप दे दें। ये बहुत ही परफेक्ट है। और इस पे हम रिफाइन ऑयल थोड़ा डालेंगे। ये देखिए, हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। ऐसे हम पलट देंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।